दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को ड्रैगन फ्रूट की फसल में कैसे फिट किया जाता है। इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर आखिर तक हर पार्ट के बारे में बताया जाएगा कि कैसे फिट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और आपको इससे बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रप्री सिंह और आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं कोई भी बात करूं उससे पहले आज आपको बता दूं कि जहां पे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं यहां पे हवा बड़ी तेज़ चल रही है और आवाज़ की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों आपको पता ही हमारे चैनल माइक्रो इरिगेशन का मकसद है कि आपको ड्रिपर स्प्रिंकलर के बारे में ए टू जेड फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह की जानकारी प्रोवाइड करवाए। आज इसी लड़ी में मैं आपको बताऊँगा ड्रैगन फ्रूट में लगने वाले ड्रिप सिस्टम के बारे में। इससे पहले आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और आज हमारी जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो 50,000 क्रॉस कर चुके हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए आइए दोस्तों आज के टॉपिक पे वापस आता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा ड्रैगन फ्रूट में लगने वाले ड्रिप सिस्टम के बारे में। दोस्तों आज हम लोग जम्मू में खड़े हैं और जम्मू में हम लोगों ने एक ड्रिप सिस्टम लगाया है ड्रैगन फ्रूट में। यहाँ पर टोटल 750 पिलर्स थे ड्रैगन फ्रूट के। ड्रैगन फ्रूट में दोस्तों पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो आप अभी देख रहे हैं मेरे साथ। इन पिलर्स के आसपास चार प्लांट्स लगाए जाते हैं ड्रैगन फ्रूट के। मैं इसके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी आज दूंगा। तो इसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम जो लगता है इसमें ड्रिप सिस्टम को कैसे फिट किया जाता है उसकी ए टू जेड आपको जानकारी दूंगा। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें ड्रिप सिस्टम लगाते समय, कौन से ड्रिपर्स का इस्तेमाल करना है, इसकी आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। चलिए आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। दोस्तों सबसे पहले हमने मेन लाइन के लिए ये खुदाई करवानी है। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे पीवीसी पाइप जो अंडरग्राउंड करनी है उसके लिए खुदाई करवा रहे हैं। ये खुदाई आपने 6 से 8 इंच चौड़ाई में रखनी है और 1.5 फीट गहरी कर ले। यहाँ पे थोड़े पत्थर हैं तो गहरी हम लोग कम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये पीवीसी पाइप है, 63 mm की पीवीसी पाइप है। तो इसको हम लोग एज ए सब लाइन और मेन लाइन यूज कर रहे हैं। पीवीसी पाइप को जोड़ने के बाद यहाँ पे हमने प्लांट्स के सामने ये GTO लगाना है, कनेक्शन कर देना है। यहाँ पे लिटरल पाइप जाएगी सीधे प्लांट्स को। ये है दोस्तों हमारी 16 mm की लिटरल पाइप। एक तरफ अगर आप 30 प्लांट्स कवर कर रहे हैं तो आप 16 mm की लिटरल लाइन को लगा सकते हैं। अगर आप 10 से 15 प्लांट्स कवर करेंगे तो आप 12 mm की लिटरल पाइप को भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ड्रिपर्स कितने दे रहे हैं पर प्लांट। अभी आप देख रहे हैं हमने 16 mm की लाइन को लगा लिया और 16 mm की लाइन को ऐसे लगाने के बाद ये जो हमने GTO निकाला था उसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारी लिटरल लाइन लग गई। ये दोस्तों हम लोग रिंग तैयार कर रहे हैं हर एक प्लांट के लिए। ये हम लोग जो रिंग की लंबाई है वो है 3 फीट की। इसमें हम लोग 2-2 ड्रिपर लगाएंगे। ये जो हम लोग ड्रिपर इस्तेमाल करेंगे ये पीसी ड्रिपर है, प्रेशर कॉम्पनसेटिंग। सभी ड्रिपर्स एक साथ खुलेंगे। अभी हमारे टोटल रिंग्स दोस्तों तैयार हो चुके हैं तो हम लोग हर प्लांट के आगे इस रिंग को डाल देंगे। जैसा अभी आप देख रहे हैं सभी प्लांट्स के पास पहले रिंग्स को डाल लें। इसको रिंग भी कह सकते हो आप, इसको लूप भी कह सकते हो। सभी रिंग्स को डालने के बाद अभी आप देख रहे हैं जैसे कि ड्रैगन फ्रूट के 4 प्लांट्स होते हैं एक पिलर के सराउंडिंग में। ये हमारी दोस्तों 16 mm की लाइन जो हमने डाल दी थी उस लाइन को आपने ऐसे काट लेना है प्लांट के पास से। 16 mm की लाइन हर प्लांट के पास काटने के बाद दोस्तों इसमें हमने ये टी लगानी है जो हमने रिंग तैयार किया था। ये उस टी को हमने इस रिंग के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया हर प्लांट के लिए। जैसा भी आप देख रहे हैं हमने 2-2 ट्रिपर दिए हैं उसकी दोनों तरफ। ये दोस्तों हमारे कंट्रोल वाल्व हो गए। यहाँ पे हम लोग अपने सिस्टम को चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। पानी आ गया दोस्तों, इसको साफ़ करने के बाद बंद कर दें। ये हमारी लिटरल लाइन को भी पहले साफ़ होने दें फिर उसके बाद एंड कैप लगा के बंद कर दें। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा सिस्टम दोस्तों फिट हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैंने आपको फिल्ट्रेशन यूनिट और वेंचरी को फिट कैसे करना है वो नहीं बताया है। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो को देख सकते हैं। ये दोस्तों जो हमारा बंडल काटा था हमने, ये उसकी रस्सियाँ हैं, उसको उठा के हम लोग एक तरफ रख देंगे। सो दोस्तों ये आपने पूरा ड्रिप फिट कर लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया है और आपको बहुत सारी जानकारी मिली है। अभी दोस्तों जो हमने यहाँ पे रिंग दिए हैं, जो हमने ये प्लांट्स को ड्रिप दिए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्रैगन फ्रूट लगा है वो ड्रैगन फ्रूट के 4 प्लांट्स हैं। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इसके पीछे हो गया और एक इस तरफ हो गया। ये टोटल 4 प्लांट्स को दोस्तों हम 2 ट्रिपर दिए हैं। ये 2 ट्रिपर हमने इस तरह से डिजाइन किए हैं कि जो ये 2 पहले प्लांट होंगे दोस्तों, अगर आप इस तरफ ध्यान से देखेंगे जो इस तरफ 2 प्लांट होंगे उन दोनों प्लांट्स के बीच में एक ड्रिपर आ गया। ये ड्रिपर हमारा ऐसे हो गया और जो दोस्तों इस तरफ वाले 2 प्लांट्स हो गए इनके बीच में एक ड्रिपर आ गया।
ये पूरे की पूरी सरफेस को यहाँ पे गीला कर देगा और पूरे प्लांट्स को पानी मिल जाएगा। जब ये ड्रिपर में दोस्तों पानी गिरेगा तो ये पानी पूरा फैलेगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इसने हर तरफ की सॉइल को मॉइस्चर आ गया है, हर तरह की सॉइल में मॉइस्चर आ चुका है चारों तरफ। ये हमने 16 mm की लाइन दे दी थी और 16 mm की लाइन में से 16-12 की टी दे के यहाँ पे हमने ये रिंग दे दिया है। इसमें हमने दो दो ड्रिपर दिए हैं। ये ड्रिपर दोस्तों पीसी है, प्रेशर कॉम्पनसेटिंग। यहाँ पे पीसी ड्रिपर लगाने का कारण यही था कि अगर आप देखेंगे फील्ड को ध्यान से तो फील्ड थोड़ी सी, फील्ड का लेवल एक नहीं है, एक तरफ से एक दो फीट ऊंचा है और दूसरी तरफ से डाउन है, तो उस वजह से हमने पीसी ड्रिपर्स दिए थे कि हर एक प्लांट के पास बराबर पानी पहुँचे। ये जो ड्रिपर है प्रति घंटा 4 लीटर पानी निकालते हैं, तो इस हिसाब से अगर दो ड्रिपर हमने दे दिए, एक घंटे में एक प्लांट के पास 8 लीटर तक पानी आ जाएगा। अगर ये 2-2.5 kg प्रेशर पे हम लोग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो और भी ज़्यादा इनमें से पानी आ जाएगा। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि इतने बड़े एरिए को अगर हमने फ्लड इरीगेशन करनी हो तो उसके ऊपर कितना खर्चा आता है और उसके लिए कितने ज़्यादा पानी की वेस्टेज होगी। कम से कम 90% पानी की सेविंग्स दोस्तों इसके साथ हो जाती है। दूसरा, आपने जो भी फर्टिलाइजर देने थे, आपने जो भी खाद देनी थी इन प्लांट्स को, वो फीदा ही आप ड्रिप सिस्टम के द्वारा यहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए हमने वेंचरी लगा रखी है। ये वेंचरी क्या होती है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसकी नोटिफिकेशन आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।